प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुढ़ाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम समास का भेद करवाएंगे। तत्पुरुष समास का भेद है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में सुनिए। क्या परिभाषा इसकी? लगभग सभी समासों की परिभाषा जो है कारक विभक्ति के आधार पर समास के जो भेद हैं उनकी परिभाषा लगभग एक ही शब्द से अलग होती है। उनमें जो अंतर है वो केवल एक ही शब्द से स्पष्ट हो पाता है। क्या परिभाषा है? कि वे जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में जो भी तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास का समस्त जो पद है उस समस्त पद में जिस भी समास की वृद्धि का लोप हो, जिस भी कारक की वृद्धि का लोप हो, जैसे क्या बताया है कि अपादान तत्पुरुष समास में क्या है, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव का जो बोध कराती है, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी ये सभी जो परिभाषाएं हैं, जैसे क्रम तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है, जो कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के छह भेद हैं, उन छह भेदों की परिभाषा में सब जो अंतर है वो इसी से स्पष्ट होता है कि वे जिस भी तत्पुरुष समास के समस्त पद में, यहाँ अपादान की परिभाषा बताए हैं तो उसमें क्या कहेंगे, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो, अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष कहेंगे। और जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में, अगली जो परिभाषा है, अगले समास की परिभाषा है समस्त पद में, यहाँ अपादान की बजाय कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक है। समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है, का के की का लोप हो उसे क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। ये परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, संबंध तत्पुरुष समास की परिभाषा भी आप अपनी कॉपी में लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी के अनुसार भी बताता हूँ आपको संबंध तत्पुरुष कारक की परिभाषा, कि वे जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में, जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति, किस कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति कौन सी है, का के की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी अपादान और संबंध की परिभाषा में अंतर क्या है, ये जो अंतर है सिर्फ तत्पुरुष समास के समस्त पद में अपादान कहेंगे तो अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो, अगर संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे तो संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। अधिकतम समासों की परिभाषा, तो जैसे आपको इसमें अपादान कारक की परिभाषा बताई आपके सामने, इसका उदाहरण है जैसे पथ भ्रष्ट, क्या है, समस्त पद है पथ भ्रष्ट, तो इसका भी ग्रहण करेंगे किससे भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, किससे भ्रष्ट है, पद से भ्रष्ट, तो ये पहला पद पथ है, दूसरा पद भ्रष्ट है, से जो है ये किसकी है, विभक्ति है, किसकी विभक्ति है, अपादान कारक की विभक्ति, अलगाव का बोध कराती है, किससे, पद से क्या है, पद से चल रहे हैं, पद से किसी का इंतजार कर रहे हैं, या पद से भ्रष्ट, प्रधानता किसकी है, भ्रष्ट की, पद से क्या हो रहा है, भ्रष्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रधानता भ्रष्ट की है, भ्रष्ट कौन सा पद है समास का, समस्त पद का ये दूसरा पद है, विग्रह करने पर ये दूसरा पद भ्रष्ट है, दूसरे पद की प्रधानता है तो समास तत्पुरुष हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास से दूसरे पता चलेगा हमें कौन सा तत्पुरुष है, ये से दो कारकों की व्यक्ति है, कर्म कारक की व्यक्ति भी से है, अपादान कारक की व्यक्ति भी से है, तो इसमें अंतर कैसे हो, आपको कैसे पता चलेगा आपको कि ये कर्म तत्पुरुष समास है या ये अपादान तत्पुरुष समास है, तो क्या है, से पद से भ्रष्ट,
हम रास्ते से क्या हो गए हैं, भटक गए हैं। जो रास्ता था अच्छा रास्ता था, सही जो रास्ता था, उस रास्ते से हम क्या हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, उससे हम दूसरी लाइन में या दूसरे रास्ते पर चले गए। उस पथ से हम भ्रष्ट हो गए, जिस पथ पर हम चल रहे थे उस पथ से भ्रष्ट हो गए। तो इस पथ से हम क्या हो गए, जो सच्चा पथ था, असली पथ था, जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उस रास्ते से हम क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए। उस रास्ते से हम अलगाव की ओर हो गए। जो अलगाव का है तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। यह आपको प्रश्न आया होगा ना कि भाई करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में जो है अंतर है, क्या अंतर है। करण तत्पुरुष में तो से जो होती है सहायक के रूप में होती है, जिस साधन से हम काम कर रहे हैं। जैसे हस्तलिखित का उदाहरण बताता हूँ आपको, हस्तलिखित किससे लिखित है, हाथ से क्या कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं। ये अपादान, ये भी जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास के बावजूद पता करना हमें से व्यक्ति है, हस्त से लिखित, जो से लिखित है वो किससे काम हो रहा है, हाथ से हो रहा है, हाथ के माध्यम से काम हो रहा है। वहां पर तो कर्ण तत्पुरुष है, यह हम पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते से भटक रहे हैं, रास्ते से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर से जो व्यक्ति है यह अलगाव का बोध बनाते हैं, इसलिए समास कौन सा हुआ, अपादान तत्पुरुष समास। जैसे रोग है, अगला उदाहरण है इसका, रोग मुक्त, रोग से विग्रह किया हमने, रोग मुक्त समस्त पद है, इसका विग्रह किया हमने रोग से मुक्त। अब हम रोग से क्या है, पहला पद रोग है, दूसरा पद मुक्त है। यहाँ पर प्रधानता किसकी है, मुक्ति की है, किसी है मुक्ति की प्रधानता है, मुक्त की प्रधानता। दूसरा पद प्रधान है तो समास तत्पुरुष, यहाँ भी से है, से व्यक्ति जो है किसकी है, रोग से मुक्त हो गए, तो रोग से क्या हो गए, अलग हो गए। यानी रोग से जब हमें मुक्ति मिल रही है तो उससे हमें अलग हो रहे हैं। तो ये से जो है अलगाव का बोध कराता है, इसलिए समास अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार बंधन, अगला समास पद है बंधन मुक्त, विग्रह करेंगे बंधन से मुक्त, किससे मुक्त है, बंधन से। क्या है, बंधन में बंधे हुए हैं, बंधन से जकड़े हुए हैं, या बंधन से मुक्त है, मुक्त की प्रधानता। दूसरा पद है मुक्त, इसलिए समास तत्पुरुष है। यहाँ भी से जो है विभक्ति है, इसकी से विभक्ति अपादान के, अपादान तत्पुरुष की, बंधन से मुक्त हो रहे हैं। बंधन से हम, जो हमारे ऊपर बंधन था उस बंधन से हम क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं, तो उससे अलग हो रहे हैं। तो इसलिए समास अपादान तत्पुरुष है। वृक्षा पतित समस्त पद है, वृक्ष से पतित है, वृक्ष से क्या, पतित प्रधानता किसकी है, पतित की है। तो वृक्ष से गिर रहे हैं, वृक्ष से गिरना तो क्या हो रहा है, वृक्ष से अलगाव होना, यहाँ भी अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका धर्म विमुख समस्त पद है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म से क्या है, विमुख। तो यहाँ पर प्रधानता किसकी है, विमुख की। दूसरा पद प्रधान है विमुख, किसकी प्रधानता है, फिर देखते हैं हम प्रधानता में, दूसरा पद प्रधान समास तत्पुरुष हो जाएगा हमारा। फिर बात आती है से विभक्ति के ऊपर, ये धर्म से विमुख, धर्म से हम विमुख हो रहे हैं, धर्म से हम मुख मोड़ रहे हैं, तो धर्म से अलग हो रहे हैं, इसलिए समास अपादान तत्पुरुष है। पाप मुक्त, विग्रह करेंगे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, यहाँ भी प्रधानता किसकी है, मुक्ति की है। तो पाप से हम मुक्त हो रहे हैं, तो पाप से अलग हो रहे हैं, इसलिए समास अपादान तत्पुरुष। धनहीन क्या है, धन से हीन, किससे हीन है, धन से क्या है, हम धन से वान है, धन से भ्रष्ट है, तो धन से क्या है, हीन। दूसरा पद हीन है, प्रधानता हीन की है। अब हीन है तो से विभक्ति की तरफ देखेंगे, ये क्या है, धन से अलग कर रही हमें, अपादान तत्पुरुष समास है। फिर है देश निकाला, अगला स्पष्ट है।